लिथो के यहाँ पे बात करें बच्चों, तो लिथो का अर्थ क्या होता है? यहाँ पे आपको लिथोस्फीयर समझाना चाहूं, दे लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर, बायोस्फीयर। अब इसमें सबसे पहले बच्चों लिथोस्फीयर इसको समझते हैं। लिथो मीन्स रॉक, लिथो का मतलब क्या होता है बच्चों? चट्टाने जो होती है, यानी चट्टानों से बना हुआ स्फीयर। स्फीयर का मतलब होता है बच्चों भाग, स्फीयर का मतलब होता है भाग, लिथो यानी चट्टानों का भाग, जिसको हम लिथोस्फीयर कहते हैं। लिथो मीन्स रॉक और स्फीयर मीन्स भाग, यानी चट्टानों का बना हुआ भाग। The rocky outermost layer of the earth is called lithosphere. अर्थ का सबसे ऊपर की जो सतह है बच्चों, जिसपे हमारा जीवन पॉसिबल है, जिसपे सॉइल बनती है, जिसपे प्लांट उगते हैं, जिसपे हम मकान बनाते हैं, जिसपे हम लोग सर्वाइव करते हैं, वो सब लिथोस्फियर है। और लिथोस्फियर सबसे आउटर मोस्ट लेयर होती है अर्थ की। लिथो मीन्स रॉक, द रॉक आउटर मोस्ट, द रॉकी आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड द लिथोस्फियर। आप इसको अंडरलाइन कर सकते हैं। इट एक्सटेंड्स ओवर द कॉन्टिनेंट्स एज वेल एज ओशन बेसिंस। ये कहां तक फैला हुआ है बच्चों? अलग अलग भूभागों तक, अलग अलग कॉन्टिनेंट तक ये लिथोस्फीयर फैला हुआ है। ओशन क्रस्ट यानी जमीन, समुंदर के अंदर भी ये फैला हुआ, ओशन के जो बेसिंस है वहां पे भी ये फैला हुआ है। द इंटीरियर ऑफ द अर्थ एक्सटेंड टू द डेप्थ ऑफ 637 किलोमीटर। यदि धरती के अंदर के भाग की बात करें तो ये कहां तक फैला हुआ है बच्चों? 6371 किलोमीटर तक एवरेज इसकी थिकनेस है, यानी धरती के अंदर अपन जाएंगे ना बच्चों, तो 6371 किलोमीटर तक जाएंगे तो इसकी जो लिथोस्फीयर है वहां तक मौजूद है। और इसकी थिकनेस की बात करें, मोटाई की बात करें, तो 100 किलोमीटर एवरेज इसकी मोटाई है। दिस मीन्स दैट यू फाइंड द रॉक्स इन देयर सॉलिड ओनली अप टू दिस डेप्थ, यानी ये जो डेप्थ की बात करें तो यहां तक अपन धरती के अंदर जाएंगे तो हमें चट्टानें दिखाई देंगी। दिस मीन्स दैट यू फाइंड द रॉक्स इन देयर सॉलिड ओनली अप टू दिस डेप्थ। द टॉप मोस्ट पार्ट ऑफ द लिथोस्फीयर इज अर्थ क्रस्ट। अब जो धरती के ऊपर वाला जिस पे हम लोग रहते हैं ना बच्चों, इसको हम अर्थ क्रस्ट कहते हैं। लिथोस्फीयर का सबसे बाहर का हिस्सा जो धरती पे दिखाई देता है इज नोन एज अर्थ क्रस्ट। लिथोस्फीयर यानी धरती के बाहर, धरती के ऊपर जो सरफेस हमें दिखाई देता है, जमीन जो दिखाई देती है, उसे अर्थ क्रस्ट कहा जाता है, जो लिथोस्फीयर का सबसे आउटर मोस्ट कवरिंग है। द क्रस्ट ऑफ द अर्थ डिवाइडेड इंटू टू पार्ट्स। अब अर्थ के क्रस्ट की अपन बात करें बच्चों, अर्थ का जो क्रस्ट है वो दो भागों में बांटा जाता है। लिथो इज अर्थ क्रस्ट, इफ यू लिव ऑन द अर्थ क्रस्ट एंड यूज इट फॉर हंड्रेड ऑफ पर्पसेस। हम लोग अर्थ क्रस्ट पे रहते हैं, हम लोग मकान बनाते हैं, बिल्डिंग बनाते हैं, कंपनीज डालते हैं, खेती बाड़ी करते हैं बच्चों, जमीन से पानी निकालते हैं, ये सब काम यहीं से स्टार्ट करते हैं। सच एज ग्रोइंग क्रॉप्स। द क्रस्ट ऑफ द अर्थ इज डिवाइडेड इंटू टू पार्ट्स, एक तो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट एंड ओशन क्रस्ट। बच्चों ये अर्थ का जो क्रस्ट है बच्चों, इसको दो भागों में और आगे बांटा जाता है। एक तो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट कहा जाता है, कॉन्टिनेंटल यानी भूभागों का क्रस्ट जो है, ठीक है बच्चों, भूभाग जो है ना, जमीन जो है, भूभाग जो है, जो अलग अलग कॉन्टिनेंट्स बने हुए वो। और ओशन क्रस्ट का मतलब समुन्द्र के अंदर का जो क्रस्ट है वो ओशन क्रस्ट कहलाता है, ठीक है। इसको दो हिस्सों में बांटा जाता है, तो हम इसको समझेंगे। कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, इट कंप्रेसेस ऑफ ग्रेनेटिक रॉक्स। अब कॉन्टिनेंटल क्रस्ट की बात करें, इसका जो क्रस्ट है ना बच्चों, इसमें ग्रेनेटिकल क्रस्ट मौजूद है, यानी ग्रेनेटिकल रॉक्स है, यानी ग्रेनाइट जैसी रॉक्स चट्टानें जो है वो पाई जाती है, रिच इन सिलिका। इसके अंदर क्या होता है बच्चों, इन चट्टानों के अंदर सिलिका, सिलिका जिसको साइंटिफिक नेम में बच्चों हम SI लिखते हैं, सिलिका पाया जाता है, एंड एल्यूमिनियम जिसको एल्यूमिनियम जिसको हम AL लिखते हैं साइंटिफिक नेम में, AL वो पाया जाता है, और Cl पाया जाता है जिसको हम SiAl कहते हैं। ये पाए जाते हैं पदार्थ इन चट्टानों में। द Cl लेयर इज ऑल्सो फाउंड अंडर द माउंटेन्स एंड प्लेटूज। ये Cl लेयर जो है बच्चों, ये पहाड़ों के नीचे भी पाई जाती है, और प्लस के जो प्लेटूज होते हैं, जो टेबल लैंड होती है बच्चों, पठार जो होती है, वहां पे भी ये पाए जाते हैं। Geographers sometimes also call it the upper crust of the earth. Geographers कौन होते हैं बच्चों? Geographers वो होते हैं जो भूगोल के विषय में ज्ञान प्राप्त करते हैं, भूगोल के विषय में खोज करते हैं, जमीन के अंदर के जो क्षेत्र है या जमीन के ऊपर का जो क्षेत्र है उसके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं, वो geographers कहलाते हैं। तो sometimes call it the upper crust। और ये जो हिस्सा है continental crust जो है, या जो sorry ये जो ऊपर का जो earth crust जो है, इसको बच्चों कई बार अपर क्रस्ट भी कहा जाता है। द रॉक्स
हियर आर जनरली लाइट इन कलर। और यहाँ की चट्टानों की बात करें, ये जो चट्टाने यहाँ से कॉन्टिनेंटल पार्ट से जो रॉक्स मिलती है, चट्टाने मिलती है बच्चों, वो लाइट कलर की होती है, हल्के रंगों में पाई जाती है। दिस लेयर एक्सटेंड टू एन एवरेज डेप्थ ऑफ 35 किलोमीटर। इसकी यदि डेप्थ की बात करें हम लोग, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट की डेप्थ की बात करें तो 35 किलोमीटर पाई जाती है, बट इज बिटवीन 60 to 70 किलोमीटर थिक बेनेथ द माउंटेन्स। लेकिन पहाड़ों के नीचे यदि हम इसकी बात करें तो 60 to 70 किलोमीटर थिकनेस इसकी पहाड़ों के नीचे पाई जाती है। इट इज दिस क्रस्ट ऑन विच सॉइल्स आर ऑल्सो फॉर्म। और यही क्रस्ट है बच्चों, यही कंटिनेंटल क्रस्ट है जिसके ऊपर सॉइल बनती है, मिट्टी होती है, जहां पे हम बीज बोते हैं, जहां पे हम खेती पैदावार करते हैं, जहां पे प्लांट्स उगते हैं, तो ये वही कंटिनेंटल क्रस्ट होती है जिसपे हम खेती कर सकते हैं। इसके बाद यदि बच्चों मैंने अभी आपको पढ़ाया था डोमेन्स के बारे में, तो यहाँ पे बच्चों बायोटिक एनवायरमेंट है, ह्यूमन एनवायरमेंट है, अबायोटिक एनवायरमेंट, और ये इन टोटालिटी मिलके एक टोटल एनवायरमेंट तैयार होता है जिसमें हमारा सर्वाइवल पॉसिबल है। तो बच्चों ये डायग्राम भी आपको ड्रॉ करना है, आपके पार्ट्स ऑफ डोमेन या डोमेन्स ऑफ द अर्थ टाइटल लेके डायग्राम ड्रॉ करना है। हम बात कर रहे हैं ओशनिक क्रस्ट की बात कर रहे हैं बच्चों, सेकंड पार्ट पढ़ा रही हूं मैं आपको ओशनिक क्रस्ट। इट कंटेंट्स ऑफ रॉक्स रिच इन सिलिका। यदि आप इसके चट्टानों की बात करें तो इसके अंदर भी क्या होता है बच्चों, सिलिका पाया जाता है। एक तो सिलिका होता है जो अभी हमने ऊपर भी देखा था जो कंटिनेंटल क्रस्ट में मिलता है हमें, सिलिका, मैग्नीशियम पाया जाता है बच्चों, जिसका साइंटिफिक नेम हम लिखते हैं एमजी, जिसको हम कहते हैं रासायनिक नाम एमजी होता है, कॉल्ड द साइमा, जिसको हम क्या कहते हैं बच्चों, साइमा भी कहा जाता है मैग्नीशियम को। इट इज द क्रस्ट ऑन विच ओशन सैंड। ये बच्चों कुल मिला के समुन्द्र के नीचे की जमीन होती है, ये समुद्र के नीचे की जमीन होती है। जब समुद्र का पानी खत्म हो जाता है, जब समुद्र की सतह आ जाती है, उसे ओशन क्रस्ट कहा जाता है, समुद्र के अंदर पाया जाता है ये। दिस क्रिस्टल पार्ट ऑफ द अर्थ इज ओनली 4 to 7 किलोमीटर थिक बीनीथ द ओशंस। यदि हम लोग समुद्र के अंदर और नीचे चले जाए तो 6 to 7 किलोमीटर गहरा ये और जमीन में पाया जाता है, बीनीथ द ओशंस। नो सॉइल्स आर फॉर्म्ड हियर। यहाँ पे कोई सॉइल, कोई मिट्टी नहीं पाई जाती, जमीन नहीं बन सकती बच्चों। द लिथोस्फीयर प्रोवाइड्स अ बेसिस ऑफ ऑल द ह्यूमन एक्टिविटीज। यदि हम लिथोस्फीयर की बात करें, इसका क्या रोल है, क्या इंपॉर्टेंस है, जितने भी ह्यूमन एक्टिविटीज होती है बच्चों, मानव के जो भी क्रियाकलाप होते हैं, सब जमीन पे होते हैं, यानी लिथोस्फीयर पे होते हैं, लाइक सॉइल्स फॉर एग्रीकल्चर। इट इज ऑल्सो द सोर्स ऑफ मिनरल्स। यहाँ पे यहाँ से बच्चों खुदाई करके हमें मिनरल्स मिलते हैं, इंक्लूडिंग फॉसिल फ्यूल्स। फॉसिल फ्यूल्स में मिलते हैं बच्चों, जैसे पेट्रोलियम हो गया, ठीक है। तो ये सारी चीजें जमीन से हमें मिलती है। तो बच्चों कुल मिला के हम बात करें तो लिथोस्फीयर के बिना हमारा ह्यूमन लाइफ जो है वो पॉसिबल नहीं है। तो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है बच्चों एनवायरमेंट का, लिथोस्फीयर है, जिसके ऊपर हम सर्वाइव करते हैं, जिसके ऊपर हम एनिमल्स, प्लांट्स, सब कोई सर्वाइव करते हैं, और हमारा जीवन इसी से पॉसिबल है। तो आई होप बच्चों आपको लिथोस्फीयर डोमेन्स बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। डोमेन्स की बात करें तो डोमेन्स वो होता है एनवायरमेंट के, अलग अलग चार भाग होते हैं जिनको डोमेन्स कहा जाता है, जिसको हम एनवायरमेंट भी कहते हैं या जोन भी कह सकते हैं, ठीक है बच्चों। फोर डोमेन्स आर देयर, लिथोस्फीयर, एटमोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर एंड बायोस्फीयर। जिसमें बच्चों को लिथोस्फीयर समझा था, लिथो मीन्स रॉक होता है, रॉक की जो पार्ट होता है जमीन का या अर्थ का, उसे हम लिथोस्फीयर कहते हैं। रॉकी आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड लिथोस्फीयर, एक्सटेंडेड टू द डेप्थ ऑफ 6,370 किलोमीटर एवरेज। ये मतलब 6,370 किलोमीटर जमीन के अंदर गहरा है बच्चों। एवरेज थिकनेस की बात करें, मोटाई की बात करें तो 100 किलोमीटर है इसकी। टॉप मोस्ट पार्ट इज अर्थ क्रस्ट, इसका सबसे ऊपर का पार्ट है बच्चों अर्थ क्रस्ट कहलाता है। द क्रस्ट ऑफ द अर्थ डिवाइडेड इनटू टू पार्ट, एक तो मैंने बताया कॉन्टिनेंटल जो भूभागों का होता है वो, और ओशन क्रस्ट होता है जो जमीन के अंदर होता है। इसके अंदर से बच्चों सिलिका निकलता है, एल्यूमिनियम निकलता है और सैल निकलता है इसके चट्टानों के अंदर से। इसके चट्टानें लाइट कलर की होती है, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, कॉन्टिनेंटल जो लिथोस्फीयर होता है उसकी जो चट्टान होती है वो लाइट कलर की होती है। ओशन क्रस्ट से होता है, इसमें सिलिका निकलता है, मैग्नीशियम निकलता है, जिसको साइमा के नाम से भी जाना जाता है। इसके बिना बच्चों हमारा जीवन पॉसिबल नहीं है। ओशन क्रस्ट की बात करें तो ये जमीन के अंदर जो कंटिनेंटल क्रस्ट होता है बच्चों वो 35 किलोमीटर जमीन के अंदर पाया जाता है, और ओशन क्रस्ट जो होता है बच्चों वो 4 to 7 किलोमीटर समुद्र के अंदर पाया जा सकता है। इसमें सॉइल फॉर्मेशन नहीं होता है, इसमें सॉइल फॉर्मेशन होता है बच्चों। इसका आप डिवाइडेशन भी कर सकते हैं, डिफरेंस भी लिख सकते हैं दोनों के बीच में। आपको डोमेन्स की, अर्थ के डोमेन्स जो है
उनके जो ड्राइंग है पिक्चर है वो भी बनानी है. तो आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड दिस टॉपिक वेरी वेल. थैंक यू वेरी मच.